विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, तीसरे वनडे में हासिल कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का श्रीलंका के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में बल्ला जमकर चलता है। किंग कोहली ने अब तक सिर्फ वनडे में 53 पारियों में 2632 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 61.2 है और उनके नाम 10 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है। वहीं मौजूदा वनडे सीरीज में विराट कोहली अब तक खेले गए 2 मैचों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। 2 मैचों में कोहली ने महज 14 रन बनाए। दूसरे वनडे में विराट कोहली श्रीलंका के स्पिनर जेफरी वंडरसे के जाल में फंसे और सस्ते में पवेलियन लूटे। अब उनके तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी की हर किसी को उम्मीद है। इस मैच में किंग कोहली की नज़र महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। विराट कोहली 78 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लेंगे 27,000 रन। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मैच 7 अगस्त को खेला जाना है, जिसमें विराट कोहली अगर 78 रन बना लेते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरी कर लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कारनामा सिर्फ 3 ही क्रिकेटर कर सके हैं, जिसमें भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग का नाम शामिल है। वहीं विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 26,992 रन बना लिए हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के तीसरे वनडे में विराट कोहली के बल्ले से निकलेगा शतक। श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज की शुरुआती 2 मैचों में विराट कोहली बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। लैग स्पिनर्स का कोहली शिकार बने और सस्ते में पवेलियन लौटे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में 35 साल के विराट से कुछ खास पारी की आस है। अगर इस मैच में कोहली शतक जड़ देते हैं तो वह 50 ओवर फॉर्मेट में 14,000 रन पूरे कर लेंगे। कोहली को 114 रन की दरकार है और इतने रन बनाते ही वह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा को पीछे छोड़ देंगे। सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा ने 350 और 378 पारियां वनडे में 14,000 रन बनाए। अब अगर कोहली 114 रन 282 पारी बना लेते हैं तो वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।